दिल्ली में 7 नवंबर को छठ पूजा पर छुट्टी के ऐलान को लेकर सबसे बड़ी खबर, दिल्ली सीएम ने सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। एलजी ने चिट्ठी लिखकर छुट्टी के लिए कहा था और सीएम ने 7 नवंबर की छुट्टी अब घोषित कर दी है। तो छठ पर्व को देखते हुए ये एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जहां आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि किस तरीके से एलजी ने चिट्ठी लिखकर कहा था सीएम को कि 7 नवंबर की छुट्टी घोषित की जाए। और अब दिल्ली में 7 नवंबर को छठ पूजा पर छुट्टी के ऐलान के बारे में और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जीत भाटी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताए जीतें। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में जो है बड़े पैमाने पर पूर्वांचल के लोग रहते हैं और ऐसे में छठ पर्व है 7 नवंबर को, तो कुछ देर पहले दिल्ली के जो राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी को जो है कि चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने आग्रह किया था कि बड़ा पर्व है तो छुट्टी की जो है उस पर घोषित की जाए। और कुछ ही देर बाद देखिए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने इस आग्रह को मान भी लिया है और कहा है कि बड़ा पर्व है, ऐसे में पब्लिक हॉलीडे जो है वो 7 नवंबर को दिल्ली में रहेगा जो छठ पर्व मनाने के लिए। और देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से न सिर्फ छुट्टी घोषित की गई है बल्कि 1000 से ज्यादा जो घाट है आर्टिफिशियल कृत्रिम घाट, उनका भी निर्माण दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। तो ऐसे में जो लोग छठ पर्व मनाते हैं उनके लिए बड़ी खबर है कि जो 7 नवंबर को पब्लिक हॉलीडे है। और देखिए इस बार आगे देखें तो जो चुनाव है वो भी है और दिल्ली में बहुत बड़े तादाद में जो वोटर्स हैं वो पूर्वांचल के हैं। जी, लेकिन इस बीच जिस तरीके से घाट का निरीक्षण किया जा रहा है, सरकारी छुट्टी को लेकर तो दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, लेकिन मामले पर घाटों की सफाई को लेकर भी जिस तरीके से खबरें आई हैं, वही अगली बड़ी खबर भी हम आपको बता दें, क्योंकि अब छठ से पहले दिल्ली के कालंदी कुंज में यमुना नदी में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है और जहरीली झाग नदी में तैरती दिखाई दे रही है। इस पर राजनीति भी कैसे जमकर हो रही है देखिए। तस्वीरें दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की है, जो ये बताने के लिए काफी है कि यमुना का क्या हाल है। छठ पूजा को देखते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से कोशिश की जा रही है कि झाग को कम किया जाए। इसके लिए बोट से केमिकल का उपयोग किया जा रहा है, झाग हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि जहां बड़े स्तर पर कोशिश की जरूरत है, वहां इस तरह बोट से प्रदूषण कम करने की कोशिश हो रही है। नदी में अमोनिया और फॉस्फेट का स्तर काफी बढ़ गया है, जिससे सांस और त्वचा की समस्याएं हो सकती है। सरकार का कहना है कि वे नदी की सफाई के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है और जल्द ही कोई बड़ा स्वास्थ्य संकट आ सकता है। और दीपावली के मौके पर दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर में बदल चुकी है। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब कैटेगरी में आ गई है और प्रदूषण के ही मुद्दे पर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। कालिंदी कुंज में ही क्यों दिखते हैं झाग, पल्ला में वो झाग क्यों नहीं दिखता, वजीराबाद में वो झाग क्यों नहीं दिखता, आईटीओ पे वो झाग क्यों नहीं दिखता है। कालिंदी कुंज में झाग इसलिए दिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लगातार जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है कालिंदी कुंज में और उसको हम लगातार साफ कर रहे हैं। उनका गंदा पानी छोड़ने का अभियान जारी है, हमारा साफ करने का अभियान जारी है। केमिकल डिफॉर्मर जो है, ये डिफॉर्मर है, इसको यूज किया जा रहा है और बोट से हटाया जा रहा है, पर इससे नदी साफ नहीं होगी, इससे प्रदूषण कम नहीं होगा। ये केवल एक बैंडेड लगाना है जब आपको सर्जरी की आवश्यकता है, बैंडेड लगाया जा रहा है। और ये इस प्रकार से चीज़ों को सरफेस पे केवल कॉस्मेटिकली ठीक करने की कोशिश तो है, पर क्या पानी साफ होगा? छठ पूजा होने वाली है, 6,500-7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं यमुना की सफाई में, पर उसका अंजाम क्या है ये देखिए। राजधानी दिल्ली में कल देर रात डबल मर्डर की भी खबर सामने आई। शहादरा की बिहारी कॉलोनी में हुई हत्या का एक आरोपी अभी भी फरार। ये सीसीटीवी फुटेज दिल्ली के बिहारी कॉलोनी में हुई वारदात की है। हत्या की ये वारदात उस वक्त हुई जब दिल्ली दीपावली के जश्न में डूबी थी। तस्वीरों में देखिए आकाश और उनका भतीजा ऋषभ दोनों पीला कुर्ता पहने हुए हैं और दीपावली पर आतिशबाजी करने में जुटे हुए हैं। तभी दो हमलावर स्कूटी से आते हैं। आकाश पटाखे में आग लगाकर जैसे घर के अंदर जाने के लिए मुड़ता है, तभी पीछे से उन्हें गोली मार दी गई। फिर उनका भतीजा ऋषभ जब शूटर को पकड़ने के लिए पीछे भागा तो उसे भी गोली मारी गई। इस वारदात में आकाश और ऋषभ दोनों की मौत हो गई। फर्श बाजार थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। शहादरा पुलिस के मुताबिक हत्या के आरोपियों ने आतिशबाजी की आड़ में घर में घुसकर गोलियां बरसाई, जिसमें आकाश शर्मा समेत 3 लोगों को गोलियां लगी हैं। जब मौके पर गए तो पाया कि आकाश नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र 40 साल है, उसका भतीजा ऋषभ जिसकी उम्र 16 साल है और उसका बेटा कृष जिसकी उम्र 10 साल है, इन लोगों को गोली लगी है। अभी राइट नाउ आकाश और उसका भतीजा ऋषभ,
इनकी मृत्यु हो गई है, हम आगे की जांच कर रहे हैं। हत्याकांड की वजह आपसी रंजिश को बताया जा रहा है, जांच जारी है। दिवाली की रात दिल्ली के शाहदरा में हुए डबल मर्डर केस में एक नाबालिग आरोपी को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा कि पैसों के लेन देन को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। दीपावली की रात दिल्ली के शाहदरा में हुए डबल मर्डर केस में पुलिस कार्रवाई जारी है। इस मामले की तफ्तीश में कई परतें खुली हैं। वहीं मृतक ऋषभ के पिता योगेश ने कहा कि कुछ दिन पहले उनके भाई आकाश का पैसों को लेकर किसी से विवाद हुआ था। मेरे को एकदम से गोली चलने की आवाज आई, मैंने कैमरे की तरफ देखा तो मैं भक्के नीचे आने लगा। इतनी देर में सब कुछ हो चुका था। भाई को और मेरा बेटे ने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो उसे भी मार दिया। वहीं मृतक आकाश की मां ने कहा कि लक्ष्य नाम का शख्स पिछले 3-4 दिनों से गली में चक्कर लगा रहा था। कल भी वो मिठाई देने के बहाने घर आया था। मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे, तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है, मैं जैसे नीचे उतर के आई इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। मदरी के मामले से पहले उन्होंने पैर छुए थे। हाँ, पैर छुए थे। मुंबई से बड़ी खबर, जहां उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और विवादित बयान पर शाइना एनसी ने केस दर्ज कराया है। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है, जहां महिला के अपमान और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। मामले में केस दर्ज कराने के बाद चाइना एनसी ने कहा कि माफी मांगे अरविंद सावंत, 20 साल से यहां पर काम कर रही हूं, एक महिला के लिए आइटम जैसे शब्दों का ही इस्तेमाल क्यों? ये महाविनाश अगाड़ी की मनस्थिति और मानसिकता क्या है? अरविंद सावंत आते हैं और बोलते हैं कि ये तो इंपोर्टेड माल है, मैं इंपोर्टेड माल हूं, 20 साल से लगातार दक्षिण मुंबई में काम करते आ रही हूं, आपको कोई टिप्पणी नहीं करनी थी उसके ऊपर कि 2014 और 2019 में मैंने आपको लेके प्रचार किया, तब मैं लाड़की बहन और अब मैं इंपोर्टेड माल, ये आइटम जैसे शब्दों का दुरुपयोग करते हैं। दिस इज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। अफसोस की बात यह है, हर मुद्दे पे उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार, नाना पटोले, संजय राउत बयानबाजी करते रहते हैं और यहाँ चुप्पी। और देखिए ये कि वो वीडियो फुटेज में अमीन पटेल जो वहाँ खड़े थे वो हंस रहे हैं, इंपोर्टेड माल हेलीकॉप्टर से आई है। हम आज 21वीं सदी की महिला है और हम इसको लाइन डाउन नहीं लेंगे। वहीं शाइना एनसी के इस जवाब के बाद अरविंद सावंत ने कहा कि इनको सिर्फ नरेटिव सेट करना है, मेरे चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं, महिला और पुरुष देखकर बयान नहीं दिया, हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। आदरणीय हमारी हेमा मालिनी जी हमारी सांसद है, उनके बारे में एक बयान दिया था, क्या हुआ, कार्रवाई हुई। तो जिनकी नींव इतनी कच्ची है वो दूसरे पे क्या इल्जाम लगाए, हमने तो कभी किसी का नहीं, तो आगे भी क्या मेरा बयान पूरा बताना, मैंने कहा ओरिजिनल माल यहाँ है, वो कौन है, मेरा कैंडिडेट था तो उधर भी माल शब्द प्रयोग किया ना मैंने, तो उसका क्या हुआ। तो स्त्री पुरुष के ऊपर वो शब्दों के प्रयोग है, अरे वाह कुछ भी करोगे आप, तो चलता है। उनको देखो, इनको नैरेटिव सेट करना लगता है कि भाई यहां ने कुछ तो करो, बदनाम करो, तो मैं तो उल्टा कहूंगा, डिफेमेशन मेरे ऊपर कर रहे हैं, उल्टा मैं कहूंगा, उल्टा मेरे चरित्र पर लांछन लाने की कोशिश हो रही है, उसके भी निर्भर ना करता हूं। 55 साल हुए पार्टी में हूं मैं, और मैं यूनियन का लीडर रहा, एमटीएल जैसे 10,000 महिलाएं थी, मैंने हर वक्त महिलाओं को गौरव किया है, सम्मानित किया है, मेरे जब लब से कभी गलत शब्द नहीं प्रयोग होता। शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत के किस बयान पर बीजेपी हमलावर है, देखिए। इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत के इस बयान पर शाइना एनसी ने कहा कि गलत बयान देने वाले को जनता बेहाल करेगी। एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं, एक सक्षम महिला जो एक प्रोफेशनल है, जो आती है राजनीति में, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अब जो आप बेहाल होएंगे
इस वजह से क्योंकि आपने एक महिला को माल बुलाया। इम्पोर्टेड नहीं चलता यार। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर ने भी अरविंद सावंत के बयान पर सवाल उठाए। इट इज नॉट ओनली स्कैंडलस, इट इज शेमफुल, इट इज कंडेमनेबल। इसकी जितनी निंदा की जाए, देखिए राजनीतिक कार्यकर्ता जो महिला होती है वो किसी पार्टी की हो, सम्मान तो करना चाहिए ना। फ्री वादों पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ उनकी बातचीत का है। अब बीजेपी ने इसे कैसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर हमला बोला, देखिए रिपोर्ट। अल महाराष्ट्र बजेट ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದೋಗ್ತದೆ, ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮೇಗಿಲ್ಲ। अब फ्री वादे वाले कांग्रेस के इस वायरल वीडियो पर बीजेपी ने तंज कसा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि झूठे वादों पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। इस वक्तव्य के बाद खड़गे साहब कृपया करके आप देश से माफी मांगिए और राहुल गांधी हम आपसे भी आग्रह करेंगे आप भी माफी मांगिए। क्या तेलंगाना, क्या कर्नाटका और क्या हिमाचल, वहां की जनता की आंखों में आपने धूल झोंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में असंभव है, तो अब बीजेपी ने भी खड़गे के बयान पर जवाब दिया, देखिए पूरी खबर। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन फिलहाल असंभव है, कई राज्यों में अलग अलग समस्याएं हैं और क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। बड़ी बड़ी इनटू कॉन्फिडेंस देन ओनली दिस विल हैपन, बट इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, वन नेशन वन इलेक्शन इम्पॉसिबल बिकॉज सेवरल states several problems and regional parties are there। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी ने भी कांग्रेस को जवाब दिया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश का लोकतंत्र और मजबूत होगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र की सबलता और प्रबलता के लिए, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल गुजरात के केवड़िया में कहा था कि सरकार अब वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में काम कर रही है। कर्नाटक में वक्फ भूमि विवाद को लेकर कई जगहों पर तनाव बना हुआ है। वहीं अब कर्नाटक के बीजेपी विधायक बसन गौड़ा पाटिल ने प्रधानमंत्री को वक्फ से जुड़े मसले पर एक पत्र लिखा है और वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की है। ये पत्र वक्फ मामले पर प्रधानमंत्री को लिखा गया है। इस पत्र के जरिए कर्नाटक में बीजेपी विधायक बसन गौड़ा पाटिल ने वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की है। बीजेपी विधायक बसन गौड़ा ने पत्र में लिखा है कि पीएमओ से गुजारिश करते हैं कि निष्पक्ष प्रशासन और भविष्य में अन्याय को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार किया जाए। मौजूदा कानूनों से सशक्त वक्फ बोर्ड कथित तौर पर व्यक्तियों, किसानों और धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। ये पत्र ऐसे समय लिखा गया जब कर्नाटक के हावेरी जिले में वक्फ संपत्ति पर विवाद बढ़ गया है। दरअसल वक्फ संपत्ति वापस लेने को लेकर प्रशासनिक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता कहा कि बीजेपी ऐसे मुद्दों को सियासी फायदे के लिए उठाती रही है। प्रधानमंत्री जी या पूरे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग वो एक नैरेटिव हमेशा सेट करना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं फेरेटिज्म, उनके नैरेटिव जो सेट करते हैं फेरेटिज्म रहता, धर्मांतर रहती है। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन की उम्र पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने नामांकन में दाखिल हलफनामे के आधार पर कहा कि हेमंत सोरेन की उम्र 5 साल के अंतराल में ही 7 साल बढ़ गई है। इस मामले की इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत की गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की उम्र पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने 5 साल में हेमंत सोरेन की उम्र 7 साल बढ़ाने के मुद्दे पर सवाल उठाया और चुनाव आयोग से हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग की है। ये दुनिया की स्पीड तो वर्ष के हिसाब से बढ़ती है। माननीय मुख्यमंत्री 1 वर्ष में लगता है 1.25 वर्ष बढ़ जाते हैं, तो ये 7 वर्ष कैसे बढ़ गए इनकी उम्र?
सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति तो यही है कि 5 वर्षों में आपकी उम्र 7 वर्ष बढ़ गई। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। भाजपा के लोग विचलित हो गए हैं, इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, और हम वो लोग हैं जो सूचना छुपाते नहीं, हम फर्जी चीजें नहीं डालते एफिडेविट में। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी हारे हुए हताश लोगों की तरह यही सब एजेंडा लेके चल रही है। दुर्भाग्य है कि 18 बरस राज करने के बाद भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार के मोतिहारी में कुछ उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। घटना में पुलिस वाले बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, इनमें से कई के सिर पर भी चोट आई है, कई के सिर फट गए हैं। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कई लोग पुलिस वालों को लाठी डंडे से पीट रहे हैं। इतना ही नहीं, एक शख्स बेलचे से भी पुलिस वाले की पिटाई करते देखा जा सकता है। आलम यह है कि पुलिस वालों के पास पिस्टल और बंदूक भी है, लेकिन फिर भी इन लोगों में कानून का कोई खौफ नहीं दिख रहा। एक सिपाही ने बंदूक भी तान रखी है, लेकिन फिर भी इन लोगों में कोई डर नहीं। मामला मोतिहारी जिले के सरैया लिपनी गाँव का है, जहाँ पुलिस टीम पर यह हमला किया गया। दरअसल एक अपहरण के मामले में पुलिस की टीम यहां आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, जिसके बाद गांव के कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया। एक पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल है, जिसके बाद मौके पर मौजूद कुछ महिलाओं ने पुलिसकर्मियों की मदद की, सिर से निकल रहे ब्लड को रोकने के लिए कपड़े दिए। वहीं यूपी के बरेली से भी ऐसी ही घटना सामने आई है। दिवाली पर जुआ खेलने से रोकना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। गुस्साए जुआरियों ने ही पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले शुरू कर दिए। पुलिस कर्मियों पर एक साथ लाठी डंडे, लोहे की सरिया और ईंटें बरसाई गई, साथ ही वर्दी भी फाड़ दी गई। हमले में एसआई और एक कांस्टेबल घायल हो गए। किसी तरह होमगार्ड ने भागकर जान बचाई। कुछ पुलिसकर्मी ने बचने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। आलम यह है कि एक पुलिसकर्मी जमीन पर गिर पड़ा, फिर भी लोग बड़ी ही बेरहमी से उसकी पिटाई करते रहे। हालांकि इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी को बचाते भी लोग दिखे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अशरफ खान छावनी का है, जहां दीपावली की रात कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, जिसे रोकने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन एक साथ कई लोगों ने पुलिस की टीम पर हिंसक हमला कर दिया। इस हमले में एसआई शुभम चौधरी और सिपाही मनीष को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब देखिए एक रिपोर्ट में, कैसे सर्दियों से ठीक पहले और बर्फबारी पड़ने से पहले पाकिस्तान लगातार आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एक के बाद एक आतंकी हमले हुए, उसके बाद सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, भारतीय सेना और बीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट पर है। लगातार ये इनपुट मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकियों के आका और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में है। ऐसे में सेना की तरफ से एलओसी पर गश्त बढ़ा दी गई है। जंगलों में सेना के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं, ताकि अगर कोई आतंकी इस इलाके में छुपा हुआ है तो उसको खत्म किया जा सके। ये इनपुट बहुत एग्जैक्ट नहीं होता है, बट ये वेरी करता रहता है वक्त के साथ। आज की डेट में हमारे हिसाब से लॉन्च पैड के क्रॉस बढ़ती रहती, घटती रहती नफरी। 50 से 60 टेररिस्ट हो सकते हैं, ये इंटेलिजेंस सोर्सेस हमको आया गया है। ये मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है इसको अप्रिशिएट करने की, बट दिस इज व्हाट जॉइंट इंटेलिजेंस हैज गिवन टू अस। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के मलेनाहली में देवी रमा पहाड़ी मंदिर में उत्सव के दौरान कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। भारी भीड़ के चलते कई श्रद्धालु पहाड़ियों पर फिसल गए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देवी रमा पहाड़ी मंदिर एक छोटे से पहाड़ की चोटी पर बना है। यहां पहुंचने के लिए काफी संकरी सड़कें हैं, जिस पर काफी संभल कर चलना होता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी तादाद में श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं,
और इसकी वजह से देवीरम्मा पहाड़ी मंदिर में हादसा हो गया। मंदिर में गुरुवार की शाम को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई और इसके चलते कई श्रद्धालु फिसलकर पहाड़ियों पर गिर गए। इसमें कई श्रद्धालु घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। इस हादसे का कारण पिछले दो दिनों से इलाके में हुई बारिश को बताया जा रहा है। कर्नाटक के चिकमंगलूर शहर के पास चंद्रद्रोण पर्वत श्रृंखला में स्थित ये देवीरम्मा मंदिर है। मंदिर 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और ये मंदिर सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन भक्तों के लिए खुलता है। इस दौरान यहाँ पर मेला भी लगता है। भक्तों के लिए ये बहुत ही पवित्र और आस्था का केंद्र है। दीपावली के मौके पर ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटी में लोगों की लापरवाही सामने आई है। आतिशबाजी की वजह से कई हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने की घटनाएं हुई। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इको विलेज वन सोसाइटी की है। देखिए कैसे इस हाई राइज बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम को तत्काल सूचना दी गई जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से 3 फ्लैट जल गई। घर में रखा सारा सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ही आम्रपाली जोडियक सोसाइटी के डी टावर में 11वें फ्लोर पर आग लग गई। यहां भी फायर ब्रिगेड की टीम ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ही महागुण माईवुड सोसाइटी के एक टावर में 23वें फ्लोर पर आग लग गई। सोसाइटी के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन आग फैलती चली गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने इस आग पर काबू पाया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि इन हाई राइज बिल्डिंग वाले सोसाइटी में आतिशबाजी करने पर रोक लगनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटी में ऐसा नियम भी है लेकिन कई सोसाइटी में जमकर आतिशबाजी होती है जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और दिवाली की ही रात गाजियाबाद में भी कई इलाकों में आग लगने से हड़कंप मच गया। गाजियाबाद की तुराब नगर मार्केट में भी एक शोरूम जलकर खाक हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि दीपावली पर ये बिल्डिंग सजी है, तिरंगा रोशनी में नहा रहा है और बीच में देखिए इस मंजिल पर आग भड़की है। बताया जाता है कि आग तुराब नगर मार्केट की है जहां एक बिल्डिंग में आग भड़की। जानकारी के मुताबिक आग एक कपड़े के शोरूम में लगी। कपड़े होने की वजह से आग तेजी से फैली और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बताया जाता है कि आग में 2 मंजिला कपड़े का ये शोरूम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। हालांकि लोगों का कहना है कि आतिशबाजी के दौरान एक रॉकेट शोरूम की दूसरी मंजिल पर शोरूम में आग घुसा। रॉकेट से लगी आग इतनी तेजी से फैली कि तुरंत शोरूम की पहली मंजिल तक आग पहुंची और देखते ही देखते पूरे शोरूम में फैल गई। नुकसान कम हो सकता था। बताया जाता है कि बाजार की गलियां काफी संकरी थी जिसके कारण फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि फायर टेंडर ने पास के ही एक बिल्डिंग के हॉस पाइप के जरिए आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश से पटाखे में विस्फोट का एक दर्दनाक वीडियो सामने आया। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हुए। स्कूटी में भीषण धमाका, पूरा इलाका थर्रा उठा। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के एलुरु की है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। अब आपको विस्फोट से पहले की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए कुछ लोग ईस्ट स्ट्रीट पर गंगम्मा मंदिर के पास सड़क किनारे आपस में बातें कर रहे होते हैं। सब कुछ सामान्य होता है। इसी बीच स्कूटी सवारों की एंट्री होती है। स्कूटी पर पीछे बैठा शख्स एक बोरा लिए होता है। बताया जाता है कि बोरे में प्याज बम था। खबर के मुताबिक जैसे ही स्कूटर एक गड्ढे के बीच आया प्याज के बम हिल गए और संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गए जिसके बाद जोरदार विस्फोट हुआ। बताया जाता है कि स्कूटी चला रहे सुधाकर नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 6 अन्य रूप गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्कूटी पर सवार पीछे बैठा शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। घायलों को एलुरु के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद एलुरु डीएसपी श्रवण कुमार, वन टाउन सीआई सत्यनारायण और एसआई मदीना बाशा ने घटनास्थल का जायजा लिया। और अब देखिए कैसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सड़क किनारे चल रही महिला को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरक थाना इलाके में तेज रफ्तार कार चालक ने एक महिला की जान ले ली। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देखिए कैसे एक महिला सड़क के बिल्कुल किनारे चल रही है। दूसरे वाहन भी आ रहे हैं जिनकी रफ्तार नॉर्मल नजर आ रही है। तभी पीछे से ये तेज रफ्तार कार आती है, महिला को टक्कर मारती है। महिला काफी फीट ऊंचे उछलकर सीधे खंभे से टकरा जाती है और महिला की मौके पर ही जान चली जाती है।
जिसके बाद कार चालक कार छोड़कर फरार हो जाता है। पुलिस कार नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मूल रूप से जटपुरा हरदोई की रहने वाली 27 साल की शिल्पी अपने पति विनोद उर्फ सोनू के साथ राइस चौक के पास रहती थी। घटना के समय महिला अपने पति के लिए खाना लेकर जा रही थी। पति प्रेस करने का काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के साथ ही दवाओं को सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी शामिल हैं। हाल ही में कंपनीज को कैंसर से जुड़ी 3 दवाओं की कीमतें कम करने के निर्देश दिए गए। भारत में कैंसर के रोगी लगातार बढ़ रहे हैं। महंगी दवाओं के चलते आम मरीजों को इलाज में काफी दिक्कत आती है। देश के कैंसर मरीजों के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने दवा कंपनियों को निर्देश दिए कि वो उन्हें मिली छूट का फायदा पीड़ितों को दे। 2024-25 के आम बजट में 3 कैंसर रोधी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी और GST घटाने का ऐलान किया गया था। जुलाई में वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इन 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 10% से घटाकर शून्य कर दी थी। इसके बाद नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने कैंसर के इलाज से जुड़ी 3 दवाओं ट्रांसजुमाब, ओसिमेरिटिनिब, दुर्बलुमाब पर घटाई गई कस्टम ड्यूटी और GST का फायदा पीड़ितों को देने का निर्देश दिया। NPPA ने सभी दवा निर्माताओं को कीमतें कम करने और कीमतों में बदलाव का उल्लेख करते हुए सभी डीलर, राज्य दवा नियंत्रकों और सरकार को एक सप्लीमेंट्री प्राइस लिस्ट भेजने के निर्देश दिए। 2022 में देश में कैंसर मरीजों की संख्या 14,61,427 थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में कैंसर मरीजों की संख्या में 2020 के मुकाबले 12.8% बढ़ोतरी का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दीपावली के दिन कारीगरों से मुलाकात की। इस मुलाकात में उनके भांजे और प्रियंका गांधी के बेटे रेहान भी थे। इस मुलाकात का एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें 10 जनपद बहुत ज्यादा पसंद नहीं, क्योंकि इसी घर में रहते उनके पिता की मृत्यु हुई थी। आपको बता दें, 10 जनपद सोनिया गांधी को आवंटित सरकारी बंगला है। My father died here, so I'm not big fan of this house. My father died here, so I'm not big fan of this house. My father died here, so I'm not big fan of this house. My father died here, so I'm not big fan of this house. बांग्लादेश में जातीय पार्टी के मुख्यालय में तोड़फोड़ को लेकर भी खबर है, जहां अराजक भीड़ ने जातीय पार्टी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में जातीय पार्टी शेख हसीना का सहयोगी दल है। देखिए ये खबर। आग की लपटे, धुएं का गुबार, बीच सड़क पर अफरा तफरी, ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है। बांग्लादेश में जातीय पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और फिर इस इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। अराजक भीड़ ने शेख हसीना के समर्थक जातीय पार्टी के मुख्यालय में आग लगाई। जातीय पार्टी बांग्लादेश में तीसरा सबसे बड़ा सियासी दल है। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने को लेकर कोई जानकारी नहीं है और न ही मुख्यालय पर हमले की किसी ने जिम्मेदारी ली है। हमलावरों ने ढाका के बिजॉय नगर इलाके में जातीय पार्टी के मुख्यालय पर धावा बोला। उनकी वहां मौजूद पार्टी सदस्यों के साथ झड़प हुई और फिर हमलावरों ने परिसर में आग लगा दी। दरअसल बीते जुलाई और अगस्त महीने में आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में छात्रों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। धीरे धीरे ये प्रदर्शन बड़ा आंदोलन बन गया। इसके बाद छात्रों का ये आंदोलन हिंसक होता चला गया, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। बांग्लादेश के छात्र आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उग्र भीड़ ने ढाका में PM आवास तक पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद बांग्लादेशी सेना के दबाव में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। और उस बीच खबर आपको बता दें, बांग्लादेश के चिटगांव में हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने मिलकर राष्ट्रद्रोह के आरोप का विरोध जताया है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर हिंदुओं के अधिकारों की आवाज उठाई। देखिए पूरी खबर। सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी राष्ट्रद्रोह के आरोपों का विरोध, बैनर हाथ में लेकर सरकार से इंसाफ की गुहार। तस्वीरें बांग्लादेश के चिटगांव की है। हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने चिटगांव में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। चिटगांव में हिंदू समाज के हजारों प्रदर्शनकारियों ने मिलकर राष्ट्रद्रोह के आरोपों का विरोध किया। दरअसल इस्कॉन मंदिर के सचिव चिन्मय दास समेत 19 हिंदू संगठनों के लोगों पर लगे आरोपों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है। इन आरोपों को राजनीतिक साजिश के रूप में देखा जा रहा है। बांग्लादेश में ये मामला धार्मिक और सामाजिक तनाव का कारण बन गया है। चिटगांव जिले में बुधवार को इस्कॉन ग्रुप के प्रमुख शहरों में से एक चिन्मय दास के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।
चिन्मय दास ब्रह्मचारी समेत 19 अन्य संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी देशद्रोह के केस दर्ज हुए हैं। चिन्मय दास ब्रह्मचारी पर आरोप है कि उन्होंने 25 अक्टूबर को चिटगांव में हुई एक रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया था। वहीं इस मामले पर चिन्मय दास ने सफाई देते हुए कहा कि चांद तारे वाले झंडे पर भगवा पताका फहराई गई थी, न कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज पर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले का मुद्दा उठाया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका में हिंदुओं की रक्षा करेंगे। अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज उठाई है। उन्होंने दीपावली के मौके पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों की निंदा की। ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश में पूरी तरह अराजकता के हालात हैं। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप ने हिंदू कार्ड खेलते हुए पहली बार बांग्लादेश हिंसा पर बात की। उन्होंने हिंदुओं पर हमलों की आलोचना करते हुए कहा कि बांग्लादेश में भीड़ हिंदुओं पर हमला कर रही है, हिंदुओं के साथ लूटपाट की जा रही है, बांग्लादेश में पूरी तरह से अराजकता की स्थिति बनी हुई है। ट्रंप के मुताबिक उनके राष्ट्रपति रहते ऐसा कभी नहीं हुआ। बाइडेन ने दुनिया भर में हिंदुओं की अनदेखी की। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि ट्रंप ने बांग्लादेश में अत्याचार की पीड़ा को समझा है। ये एक स्वागत कदम है। देखिए कि कोई वर्ल्ड लीडर और खासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नोलेज कर रहा है, तब मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप भी क्यों यूएन सेक्रेटरी जनरल को और बाकी लोगों को भी इस बारे में और यूएन एचआरसी को भी आगे आना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है बेहद गंभीर है। ताइवान में कोंगरे तूफान की वजह से मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। राजधानी ताइपे समेत कई जगहों पर बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है। करीब 184 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार, पानी की तेज बौछार वाली ये तस्वीरें हैं ताइवान में आए टाइफून कोंगरे तूफान की। ये तस्वीरें राजधानी ताइपे की है, जहां देख सकते हैं कि तूफान के आगोश में 101 मंजिला गगनचुंबी इमारत भी आई। तूफान जैसे इमारत को ढा देने पर आमादा था। बताया जाता है कि कल अक्टूबर महीने के अंतिम दिन आए इस तूफान ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। करीब 3 दशकों में आया ये सबसे बड़ा तूफान बताया जा रहा है। तूफान का असर फुजियान, ताइतुंग समेत दक्षिण पूर्व के इलाकों में सबसे ज्यादा देखने को मिला। तूफान की वजह से शहर ही नहीं गाँव में भारी नुकसान देखने को मिला है। देख सकते हैं कि खेतों में खड़ी फसलों को किस तरह से तूफान ने तबाह कर दिया है। आपको बता दें कि ताइतुंग में कल दोपहर ये तूफान टकराया, जिसके बाद करीब 184 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश और पूरे द्वीप में मौसम का मिजाज बिगड़ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि यिलान और हुआलियन काउंटी के कुछ हिस्से भारी बारिश से जलमग्न हो गए। भयंकर तूफान की वजह से ताइवान में उड़ान के साथ कई ट्रेन सेवाएं भी रोकनी पड़ी, तो 8,600 लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया गया है। इस तूफान से एक मौत हुई तो 73 लोग बीमार और घायल हैं। प्रसिद्ध पंजाबी गायक केपी ढिल्लों के कनाडा स्थित घर पर फायरिंग करने वाले शख्स को कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। एपी ढिल्लो का घर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैनकूवर में है। सिंगर एपी ढिल्लो को घर के बाहर 1 सितंबर 2024 को ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। हमले के बाद एक वायरल पोस्ट के जरिए लॉरेंस विश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। पोस्ट में हमले की वजह एपी ढिल्लो के सलमान खान से रिश्ते को बताया गया था। साथ ही पोस्ट में एपी ढिल्लो को धमकी भी दी गई थी। 30 अक्टूबर को कनाडा पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान कनाडा के मैनिटोबा प्रांत के विनीपेग शहर में रहने वाले अभिजीत केंगरा के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 25 साल है। अभिजीत पर लापरवाही से बंदूक चलाने के साथ साथ कोलवुड में 2 गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश करने का भी आरोप है। कनाडा पुलिस के मुताबिक आरोपी अभिजीत केंगरा को ओंटारियो से गिरफ्तार किया गया है। उसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में कनाडा पुलिस को एक और शख्स की तलाश है। कनाडा पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है।